हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। इस लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन क्या होता है। जो फंक्शन है बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है, तो एक पीस ऑफ कोड को हम क्या कहते हैं, फंक्शन बोलते हैं। जैसे मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो उसका हम फंक्शन के थ्रू कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, वो नॉर्मल कैसे प्रोग्राम बनता है, वो हम एक सी प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हमें उसके लिए तीन वेरिएबल चाहिए। दो तो वो नंबर जिनको हमें ऐड करना है, तो मैंने लिए तीन वेरिएबल में डिक्लेयर कर दूँगी, ए बी और सी। तीन वेरिएबल मुझे चाहिए। अब मैं बोलूँगी उस यूजर को Enter two numbers। हमने दो नंबर यूजर से एंटर करवाने के लिए प्रिंट एफ लिखा, मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हम स्कैन एफ के थ्रू वो दो नंबर एंटर करवा लेंगे। दोनों इंटीजर टाइप के हैं इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी। जो पहला नंबर एंटर करोगे वो ऐड ए के एड्रेस पे चला जाए और दूसरा नंबर बी के एड्रेस पे चला जाए। और दो नंबर आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये आपका एक बहुत सिंपल प्रोग्राम बना रही हूँ बिना फंक्शन के हेल्प के। अब क्या हुआ, अब जो आपको आउटपुट आ गया उसको हमें डिस्प्ले करना है। हमारा जो सम हुआ है दो नंबर का वो कहाँ स्टोर किया है हमने, सी में नाम के वेरिएबल में। सम ऑफ टू नंबर्स इस टाइप का है सम, वो भी आपका दो इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे तो वो भी इंटीजर टाइप का, परसेंट डी। और वो किस में है, सी में। ये आपका एक तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम है, गेट सी एच मान लो। ये बिल्कुल सिंपल आपका प्रोग्राम है। अब क्या होता है, मैंने कहा था फंक्शन पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ कोड। तो यहाँ पे मुझे दो नंबर को ऐड करना है, तो मान लीजिए मेरा अब दो नंबर को ऐड करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। यहाँ पे इन दो तीन वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं, दो नंबर यूजर से लिए हैं, फिर उसको सम किया है। अब इसको मैं क्या करूँ, इनको मैं एक ब्लॉक में बंद कर दूँ। और बेसिकली ब्लॉक में तो बंद कर देते हैं जैसे कर्ली ब्रैकेट्स में, और उसको एक नाम दे दें तो वो क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाता है। और अभी हमें फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जब हम ये दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बिना फंक्शन के भी तो बना पा रहे हैं। ये भी मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया यहाँ पे, वो सिंपल प्रोग्राम बन गया। लेकिन क्या होता है कि अगर मुझे किसी दो नंबर का सम एक ही प्रोग्राम में बार बार करना पड़े, जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं वो छोटे होते हैं, अगर हमें कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े हजारों हजारों लाइनों के प्रोग्राम बनते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है हमें दो नंबर का ऐड करने की बार बार ज़रूरत पड़े। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम फंक्शन नहीं बनाते हैं तो इस कोड को हमें बार बार लिखना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए उतनी ही मेमोरी कंज्यूम होगी, टाइम भी लगेगा, लाइन ऑफ कोड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पीस ऑफ कोड को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे और उसको एक नाम दे देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, आपका एक फंक्शन। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको बार बार ये कोड नहीं लिखना पड़ा, और एक बार लिखने से काम चल जाएगा। और जब अगर दो बार आपको, दो या तीन चार पाँच बार जितनी बार भी आपको दो नंबर को ऐड करना पड़े, तो ये पूरा पीस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा, जो भी आपने उस ब्लॉक को नाम दिया है उस नाम से ही आपका वो काम, वो नाम ही उस पीस ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करेगा और उसका नाम लिखने से ही आपका काम हो जाएगा। तो उसको देखते हैं फंक्शन के थ्रू। मैंने बोला कि इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, पर वो मेन फंक्शन के अंदर वो कोड नहीं होगा, मेन तो खुद ही फंक्शन है, वो अलग से आपको एक पीस ऑफ कोड बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया, मैंने कहा था इसको एक नाम देना पड़ेगा, तो जैसे आप मेन के लिए लिखते हो तो मैंने लिखा फंक्शन बना लिया सम, या मैं लिख लेती हूँ ऐड। ऐड नाम का आपने फंक्शन बनाया, जैसे सम बनाया आपने, मेन बनाया था, मेन का कर्ली ब्रैकेट आप ऊपर एक बार बंद कर देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट
ऐड फंक्शन के लिए है. ऐड फंक्शन में हम गेट सी एच नहीं लिखेंगे, गेट सी एच मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं. क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से स्टार्ट होता है और मेन पे ही ख़त्म होता है. अब इसको ये पीस ऑफ कोड है. अब यहाँ ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे ऐड एक मैंने इस ब्लॉक जो बनाया इसमें दो नंबर को ऐड करने का कोड है. ये एक तरीके से मेरा फंक्शन हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया ऐड. तो ये आपका क्या हो गया, एक फंक्शन. तो इससे अब आपको जितनी बार भी प्रोग्राम में फंक्शन दो नंबर को ऐड करना है, ऐड से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब उसको कॉल करना पड़ता है. जैसे मान लो एक और सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं, दो नंबर की हमें एक नंबर चाहिए जिसको चेक करना है, वो इवन है या ओड नंबर है. तो इवन और ओड को चेक करने के लिए हमें कितने नंबर कितनी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही की, क्योंकि हम उस नंबर को देख के बता पाएंगे कि वो इवन है या ओड. तो मैंने यहाँ पे एज इवन फंक्शन का नाम दे दिया. कुछ भी नाम आप दे सकते हो फंक्शन का. एज इवन फंक्शन का नाम दिया. इसके अंदर मैंने क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर का चेक करना वो एंटर करवाना पड़ेगा. तो मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर नंबर, एंटर नंबर, और वो नंबर आपने स्कैन एफ के थ्रू यूजर से ले लिया. एक ही नंबर चाहिए तो एक बार ही परसेंट डी लगाएंगे. जितने नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर रखते हैं. और वो नंबर मैंने मान लो ए ले लिया. अब यहाँ पे मुझे ए डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं ए नाम का एक वेरिएबल यूज में ले रही हूँ, एंड ए. और अब इवन है या ओड कैसे चेक होता है, मतलब इवन ओड मतलब सम है या विषम कैसे चेक होता है. सम नंबर वो होते हैं जो दो से पूरे जिनका पूरे पूरा भाग जाता है. तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, इफ़ हमने पहले लास्ट क्लास में देखा था कि ये डिसीजन मेकिंग के थ्रू हम डिसीजन ले पाते हैं कि वो नंबर इवन है या ओड. तो मैं यहाँ लिखूँगी इफ़ ए वो नंबर कौन सा है, ए में डालना है उस नंबर को. और इसको हम बोलते हैं मॉड्यूल परसेंट सिंबल को बोलते हैं मॉड्यूलो डिवीजन यहाँ पे. और मॉड्यूलो डिवीजन का काम होता है कि जो हमारा शेषफल बचता है मतलब रिमाइंडर बचता है वो देगा. तो अब मैं इसको दो से डिवाइड करूँगी, दो से डिवाइड करूँगी तो क्या देगा, ये डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वो नहीं देगा, जो शेषफल बचेगा मतलब जो रिमाइंडर बचेगा वो देगा. तो अगर वो जीरो होता है तो वो इवन नंबर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो बचेगा तो इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो नंबर है. और जो मैंने बताया था अगर सिंगल इक्वल्स टू लगाओगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, तो वो गलत है. अगर हमें कंपेरिजन करना है तो इक्वल्स टू दो बार लिखना पड़ता है, वो आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर है. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. अगर वो नंबर को दो से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा. तो मैं यहाँ लिख दूँगी प्रिंट एफ नंबर इज इवन नंबर, या आप शॉर्ट फॉर्म में इवन भी लिख सकते हो. और अगर वो ये नहीं है तो आप एल्स लगा के लिख दोगे प्रिंट एफ में ओड, और मतलब विषम. ये आपका एक दूसरा मैंने एक और फंक्शन बना लिया. तो अगर जैसे आपको एक ही प्रोग्राम में बार बार आपको चेक करना पड़े कि नंबर सम है या विषम, तो आप उसको ये फंक्शन ये वाला जो पीस ऑफ कोड है आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आपने उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर रखा है, उसको एक नाम दे दिया. तो ये क्या बन गया, आपका एक फंक्शन बन गया. जितनी बार भी चाहिए उतनी बार इस फंक्शन को कॉल कर लो और आपका काम हो जाएगा. अब ये फंक्शन के जो इस नाम के बाद में जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो इसको क्या करना है, इस फंक्शन को वो लिखा है, इसके लाइफ टाइम में ये क्या क्या काम करेगा वो सब कुछ इसमें लिखा है. तो ये क्या कहलाती है, फंक्शन की डेफिनेशन. और ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि फंक्शन की डेफिनेशन कभी किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होगी, फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा अलग से ही होती है. तो यहाँ देखो ये इज़वन है, ये कहीं किसी के अंदर नहीं है, नीचे कुछ लाइन नहीं है, ऊपर ये किसी के अंदर नहीं लिखा हुआ है, अलग से इज़वन है, इज़वन लिखा हुआ है. ऐसे ही ऐड भी बाहर लिखा हुआ है, ये मेन फंक्शन के अंदर नहीं है. देखो मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट यहाँ ओपन हो रहा है या बंद हो रहा है. अब जैसे मैं यहाँ हमारा लिख देते हैं सी एल आर एस सी आर, एक
सी के प्रोग्राम में कितने भी मेन फंक्शन हो, सॉरी कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शन की कितने होने चाहिए उस पर कोई लिमिट नहीं है, पर एटलीस्ट एक फंक्शन सी लैंग्वेज सी प्रोग्राम में होना ही होना चाहिए। वो कौन सा होता है? मेन। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भले कितने भी फंक्शन हो, हमेशा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से ही होता है। तो एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा वो मेन से ही होता है। तो सबसे पहले ये लिखा, अब मुझे दो नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना है तो मैंने कहा था वो एक ब्लॉक, एक पीस ऑफ कोड लिख लो और उसको ब्लॉक में बंद कर लो, नाम दे दो और उस नाम से ही उस कोड को रिप्रेजेंट करवा लो। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, दो नंबर को ऐड करना है तो मैं यहाँ लिख दूँगी ऐड, और ये मैंने लिख दिया यहाँ। इससे क्या हुआ, अब ये ऐड जैसे ही लिखा तो मुझे दो नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ी। तो ये जैसे ही मैंने ऐड लिखा, यहाँ पे लाइन आएगी, सबसे पहले सी एल आर एस सी आर चलेगा, फिर ऐड लिखा तो ऐड फंक्शन चलेगा। जैसे ही ऐड आया तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल ऐड फंक्शन के पास जाएगा। तो ऐड कहाँ है, ये वाला, अब इसके पास जाएगा। ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, फिर दो नंबर लेंगे यूजर से और उनको ऐड करके इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। फिर जैसे इसका काम हो जाएगा, इसका कर्ली ब्रैकेट बंद होगा, कंट्रोल जिसने इसको कॉल किया था उसके पास वापस जाएगा। तो मेन फंक्शन था, उसने ऐड फंक्शन को कॉल किया था, तो वापस कंट्रोल कहाँ गया, वापस मेन फंक्शन के पास में। जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो एक तरीके से मैंने आपको कॉल किया, कॉल किया तो आपको कॉल करके मैंने कहा ये काम करना है, आपने काम कर दिया। अब काम करके आप किसको बोलते हो, वापस भी मैंने काम कर दिया। रिटर्न कहाँ आता है वापस, कि आप अपना काम कर दोगे तो रिटर्न कंट्रोल रिटर्न वापस जिसने कॉल किया था उसके पास आ जाता है, मतलब मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसे ही मेन फंक्शन ने कॉल किया था ऐड फंक्शन को, ऐड ने अपना काम कर दिया, जैसे काम होगा ऐसा कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बंद होते हमारा कंट्रोल वापस मेन फंक्शन के पास आ जाएगा जहाँ पे कंट्रोल पहले था। अब कहाँ था, ऐड के बाद में। तो अब ये वाला काम हो गया। अब मैं चाहती हूँ इज इवन फंक्शन को कॉल करना, तो यहाँ लिखूँगी मैं इज इवन, यहाँ मैंने इज इवन नाम का ये फंक्शन लिख दिया, ये बना दिया। अब इससे क्या होगा, इज इवन नाम का फंक्शन के पास जाएगा, ये इज इवन भी यहाँ जाएगा, एक नंबर लेगा, चेक करेगा वो इवन है या ओड और उसका काम हो जाएगा। तो वापस कंट्रोल क्या कहाँ आ जाएगा, इज इवन के पास में, मतलब सॉरी मेन फंक्शन के पास में। ये मेन फंक्शन है, इसके अंदर बॉडी के अंदर वापस आ गया और इस लाइन के पास आ गया। अब मैं चाहती हूँ ऐड फंक्शन को फिर से कॉल करूँ, तो अगर मैं फंक्शन नहीं बनाती तो मुझे अगर दो नंबर को फिर से ऐड करना है तो ये पीस ऑफ कोड फिर से लिखना पड़ता है। लेकिन फंक्शन बनाने का फ़ायदा यही है कि एक बार बना लो और उसको बार बार कॉल कर सकते हो। तो मैंने कहा ऐड और फिर से सॉरी फंक्शन को कॉल कर लिया, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब वापस क्या होगा, कंट्रोल ऐड फंक्शन के पास जाएगा, काम होगा, सम होगा और नंबर डिस्प्ले होगा। वापस कंट्रोल ऐड फंक्शन सॉरी मेन फंक्शन के पास आ जाएगा इस लाइन के बाद में। अब क्या हुआ, हमारा काम हो गया। अब मैं लिखती हूँ गेट सी एच, गेट सी एच और ये मेन फंक्शन आ लिखते हैं रिटर्न जीरो। मैंने आपको पहले भी बताया था फंक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके आगे छोटा ब्रैकेट लगा होता है इसको हम बोलते हैं सी लैंग्वेज में पैरेंथेसिस, वो सारे फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये मेन भी एक फंक्शन है, सी एल आर एस सी आर भी एक फंक्शन है, ऐड भी एक फंक्शन है, ये गेट सी एच भी है, इज इवन भी है, ये सारे क्या हैं आपके फंक्शंस हैं। अब एक बार इसको प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ये हो गया, एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये बेसिकली मैंने आपको भी बताया फंक्शंस क्या होते हैं, इन कैसे जरूरत कहाँ पड़ती है। अब पहले एक बार कुछ चीज़ छूट गई है वो बता देती हूँ आपको, कि जो फंक्शन होता है वो भी हमारा फंक्शन के तीन चीज़ें होती हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन होता है टेक्निकल टर्म में, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन कोड और फंक्शन डिक्लेरेशन। तो अभी जब हमने प्रोग्राम बनाया है तो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया और जब हमें जरूरत पड़ी तो फंक्शन को कॉल भी कर दिया। तो अब हमें एक चीज़ छूट रही है, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हमें फंक्शन डिक्लेरेशन भी करना पड़ता है। वैसे फंक्शन डिक्लेरेशन करना कोई कंपलसरी नहीं होता, वो कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। कभी कभार कंपाइलर खुद ही फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देता है, पर ये वाले कंपाइलर ने फंक्शन
फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं किया है तो हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। और डिक्लेरेशन मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बताया था किसके लिए होता है, कंपाइलर के लिए। कंपाइलर को बताना पड़ता है कि जो हम ये काम में ले रहे हैं ये क्या चीज़ है, क्या वैल्यू लेगा, ये सब होता है। तो ये पहले हमें इसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन का ये हमारा ऐड के ये लिखा है, इसको हम कॉलिंग बोलते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ डिक्लेरेशन। जैसे अब फंक्शन जैसे हम नंबर डिक्लेयर किए हैं, जैसे यहाँ पे int a b c, वैसे ही फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे a b c का ये रिटर्न टाइप है, तो ऐसे ही हमें बताना पड़ता है कि फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप है या नहीं है। तो अभी ये फंक्शन कोई वैल्यू नहीं ले रहा है तो हमने लिखा है void। फंक्शन का रिटर्न टाइप है void। void का मतलब होता है खाली। तो फंक्शन का पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, और फिर इसके अंदर आती है इसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट या कहो पैरामीटर लिस्ट, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फंक्शन देखो यहाँ हमने डिफाइन किया है, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब डिक्लेयर करते हैं तभी भी हम कुछ ही नहीं लिखेंगे, और जब कॉल करेंगे तभी भी यहाँ इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। अगर अब इसके अंदर अगर कुछ लिखेंगे तो डेफिनेशन में भी हमें कुछ लिखना पड़ेगा और कॉलिंग में भी, वो भी हम अभी नेक्स्ट वाले क्लास में हम समझ लेंगे। तो ये हमने इसको कॉल कर दिया। सॉरी, अब इजी वन का भी हमने डिक्लेरेशन नहीं किया है, तो डिक्लेरेशन इसका भी करना पड़ेगा। void is even, ये हमने इसका भी डिक्लेरेशन कर दिया। अब हम कंपाइल करके देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है। टाइप मिसमैच इन डिक्लेरेशन ऑफ एड, मिसमैच यहाँ पे void add, जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ ये लिखना पड़ता है। ये हमारा काम हो गया। अब क्या हुआ, फंक्शन printf should have a prototype, PRI printf की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है। ये सी इसका बेनिफिट भी है कि जब हम कंपाइल करते हैं तो कोई एरर की है तो सारी एरर्स आपको दिख जाती है। PRI printf, अब कोई एरर नहीं है, इसको हम एंटर करके देखते हैं। देखो एंटर टू नंबर बोल रहा है तो मैंने दो नंबर एड कर दिए, 10 और कर दिया 20, तो दो नंबर ऐड हो गए। सम ऑफ टू नंबर इज 30, ये फिर से पूछ रहा है ये एंटर ए नंबर, ये किसके लिए, अब फंक्शन कॉल हो गया था इजी वन, तो उसके लिए तो मैं मान लीजिए 40 नंबर एंटर करती हूँ। तो 40 क्या है, 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो नंबर इवन नंबर है, तो नंबर इज इवन आ रहा है, नंबर इज इवन। और फिर से उसके बाद में आ गया एंटर टू नंबर। तो आपको जैसे हमने मेन फंक्शन के अंदर पहले ऐड फंक्शन लिखा था, फिर इज इवन को कॉल किया था, और फिर से ऐड फंक्शन को कॉल किया था। तो देखो मुझे दो बार जरूरत पड़ी, तो दो बार ये फंक्शन अपने आप हमने जब कॉल किया तो दो बार ये नंबर को उसने ऐड कर लिया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 20 और 30, तो अब आ जाएगा 50। तो हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। तो ये बेनिफिट है फंक्शंस का कि फंक्शन बनाने से अगर एक कोड की आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ एक बार लिखो उस पीस ऑफ कोड को, उसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करो, उसको एक नाम दे दो, तो वो क्या कहलाएगा फंक्शन, और जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको कॉल कर लो। तो कॉल करने से आपका काम हो जाएगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि एक फंक्शन, एक प्रोग्राम में कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन एक सी लैंग्वेज में होना ही होना चाहिए, बिना मेन फंक्शन के कोई भी सी प्रोग्राम नहीं बन सकता। तो ये बेसिकली था फंक्शंस के बारे में, बेसिक जानकारी थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे। एक बार जो हमने देखा रन करके उसको थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ कैसे काम कर रहा है। तो जैसे आपका मैंने कहा मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपने दो फंक्शन डिक्लेयर कर दिए,
फिर आपका डिक्लेरेशन के बाद में CLR SCR चलता है। CLR SCR क्या होता है, पुराने वाले इनपुट को आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा, क्लियर स्क्रीन। फिर एड फंक्शन यहाँ लिखा है तो ये कहलाती है कॉलिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये आपका रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में सब लिखते हैं। कॉल करते हैं तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाते। तो ये आपने यहाँ ऐड लिखा और ऐड लिखते ही फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ ऐड फंक्शन के पास जाएंगे यहाँ, और इसका काम होगा, और जैसे इसका काम होगा रिटर्न होके वो कहाँ आ जाएंगे, हम इसके पास आ जाएंगे। तो ऐड फंक्शन के अंदर देखो आपने क्या क्या किया है, दो नंबर लिए हैं यूज़र से और उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करवा ली, और इसका काम ख़त्म होने के बाद में हम ऐड वाली लाइन के पास आ गए वापस, सॉरी इस वाले के बाद। उसके बाद में हमने इस इवन फंक्शन को कॉल किया, तो जैसे ये लाइन आएगी, इस लाइन के आते ही हम इस इवन फंक्शन के पास जाएंगे। इस इवन में हमने लिखा है एंटर है नंबर, फिर उस नंबर को चेक किया है वो इवन है या ओड, तो उसके बाद वो आंसर आ जाएगा इसका, डिस्प्ले कर देगा। फिर हमारा कंट्रोल वापस जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है इज इवन, जहाँ से कोड किया था वहाँ चला जाएगा। तो उसके बाद में ऐड लिखा हुआ है तो फिर से कंट्रोल ऐड के पास जाएगा, ऐड अपना काम करेगा। फिर उसके बाद में हम गेट सेज के पास आएंगे, फिर वो स्क्रीन को होल्ड करने का काम कर रहा था, और इस तरीके से ये काम हो जाता है। और मैंने लास्ट जो क्लासेस थी उसमें भी बताया था फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक बार छूट तो नहीं गया, एक बार हम देख लेते हैं। फंक्शंस पीस ऑफ हो गया ना, बता दिए दो लाइन, पीस ऑफ कोड होता है और उसको एक हमें नाम देना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। और फंक्शन दो टाइप के होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हमने डिफाइन नहीं किया, पहले से ही वो डिफाइन किए हुए होते हैं। और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन मतलब जिसको हमने डिफाइन किया है। इनको डिस्टिंग्विश करने का क्या तरीका है, मतलब जिस फंक्शन को आप कर्ली ब्रैकेट लगा के खुद डिफाइन करते हो, जैसे आपने यहाँ ऐड को कर्ली ब्रैकेट लगाया और खुद पूरा पीस ऑफ कोड लिखा, तो ये तो हुआ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और जिस फंक्शन के आगे आपने पीस ऑफ कोड खुद नहीं लिखा है वो प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जैसे CLR SCR। आपने सिर्फ इसको यहाँ पे कॉल किया है, कॉल करने पर ये फंक्शन कहीं ना कहीं पहले से डिफाइंड है। मतलब किसने डिफाइन किया, जिसने सी लैंग्वेज बनाई थी उसने इसको डिफाइन करके रखा है, मतलब प्रोग्रामर ने। तो ये CLR SCR हो गया, आपका GET CH हो गया, ये आपका क्या है printf हो गया, और एक हो गया scanf, ये आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस दो टाइप के हो गए, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड। फिर है आपका जो आपका है जो फंक्शन है, प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन, जो आपका सी प्रोग्राम होगा वो एटलीस्ट एक फंक्शन तो होगा ही होगा, और वो फंक्शन कौन सा होगा, कम से कम वो मेन होगा। फिर फंक्शन का नाम है वो आपका क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए फंक्शन का नाम, कभी भी रिपीटेटिव नाम फंक्शन का नहीं हो सकता। ऐड फंक्शन एक बार बना दिया तो ऐड नाम से दूसरा फंक्शन नहीं बन सकता। फंक्शन इज एन ऑपरेशन वंस डिफाइंड कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स। आपने फंक्शन को एक बार डिफाइन कर दिया तो उसको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, एक बार डिफाइन करो और जितनी बार मर्जी हो उतनी बार उसको यूज़ में लो। और वन फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट बी मेन, मैंने अभी पहले बताया कि जो फंक्शन है वो मेन होना ही होना चाहिए, जो वन फंक्शन होना चाहिए। और जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शन कंज्यूम मेमोरी ओनली व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड एंड रिलीज फ्रॉम रैम एज सून एज इट फिनिशेस इट्स जॉब। मतलब जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब फंक्शंस को मेमोरी मिलती है, और जैसे ही उस फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है तो जो मेमोरी है वो रिलीज हो जाती है। तो ये था बेसिक आइडिया फंक्शंस के बारे में। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।